इस टाइम आयुष्मान खुराना बॉलीवुड में धमाल मचा रहे हैं। लगातार आयुष्मान का करियर ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। बधाई जैसी बढ़िया फिल्में देने के बाद आयुष्मान ने कई बेमिसाल फिल्में ना कर केवल ऑडियंस को अपना मुरीद किया, बल्कि अब तो क्रिटिक्स भी उनकी एक्टिंग का दम भरने लगी है। अब इसके पीछे उनकी चॉइस ऑफ फिल्म्स हो या फिर उनकी निभाई एक्टिंग, आयुष्मान ऐसी स्टोरीज परोस रहे हैं जिसके बारे में भी बात करने से लोग हिचकिचाते हैं। इसी में से एक है उनकी जल्द आने वाली फिल्म जिसका नाम है शुभ मंगल ज्यादा सावधान। इसमें आयुष्मान एक गे लड़के का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। वैसे गे कैरेक्टर निभाना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए सेम जेंडर को किस करना अभी भी इंडियन ऑडियंस के लिए बड़ी बात है। जी हाँ, आर्टिकल 377 के हटने के बाद आयुष्मान खुराना फैंस के लिए गे लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं, जिसमें उनके साथ टीवीएफ के जीतू यानी जितेंद्र कुमार नजर आने वाले हैं। दो हीरोज की इस कहानी में ढेर सारा मस्ती मजा और एक बड़ा मैसेज होने वाला है। वेल, अलग कंटेंट के साथ इस फिल्म की तरफ जिस एक सीन ने लोगों का ध्यान खींचा वो था आयुष्मान और जीतू का किसिंग सीन। जिसने भी ये ट्रेलर देखा और उसका ये सीन देखा वो और भी ज्यादा एक्साइट हो गया। इस सीन को देखने के बाद सभी सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि आयुष्मान ने ये किया कैसे, मतलब उन्होंने एक लड़का होते हुए दूसरे लड़के को किस कैसे किया। तो जी हम आपको बताते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब आयुष्मान ने किसी लड़के को किस किया हो। मुंबई मिरर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान ने एमटीवी के रियलिटी शो रोडीज में काम किया है और इंटरव्यू में आयुष्मान ने कहा, मैं मानता हूँ कि एक लड़के को लड़के से और एक लड़की को लड़की से प्यार हो सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्यार प्यार होता है और उसे वैसा ही देखा जाना चाहिए। आई हैव किस्ड अ बॉय इन अ पास्ट। और तो और उनकी फिल्म में पार्टनर बने जीतू के लिए भी ये कुछ नया नहीं था, क्योंकि आयुष्मान की माने तो उनके हीरो जितेंद्र ने भी इससे पहले लड़के को किस किया हुआ है। जीतू ने मुझे बताया कि कॉलेज में रैंकिंग के टाइम उन्हें चार लड़कों को किस करने के लिए कहा गया था। उस टाइम रैंकिंग पर बैन नहीं थी तो जीतू को ऐसा करना पड़ा और उन लड़कों को किस करनी पड़ी। बाप रे, यकीनन आयुष्मान के फैंस इस सच्चाई को बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। यानी जिस एक सीन को देखकर सभी में खलबली मच गई थी वो रियल में शूट करना इन दोनों ही एक्टर्स के लिए नया एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं था। तो कैसा लगा आपको आयुष्मान का ये फैक्ट, जरूर दीजिएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में।